नमस्ते मित्रों, आज हम मकाई का सूप बनाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वाद संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी सभी वीडियो देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये चैनल से अच्छी रेसिपी के साथ साथ तंदुरुस्ती की टिप्स मिलती है, जीवन उपयोगी संदेश मिलते हैं, पशु पंखी या पर्यावरण की जागृति का ज्ञान मिलता है, नेचर के एम्बियंट साउंड के साथ मन को शांत कर देने वाला संगीत और सौंदर्य से भरपूर सिनेमेटोग्राफी से आपका मनोरंजन तथा आत्मरंजन होता है, ऐसी चैनल को शेयर करके प्रमोट करें। खेत में देसी मकाई के बीज भरने लगे हैं, तो मन करा कि आज मकाई का सूप बनाया जाए, तो इसलिए थोड़े भुट्टे खेत में से ले आते हैं। आज ताजा मक्के का सूप बनाएंगे। दोस्तों, खेत में सुअर और रोज फसल खा जाते हैं, उससे बचने के लिए ये झटका मशीन से फेंसिंग की गई है जो अभी लाइव है। हम सावचेती से भुट्टे तोड़ लेंगे। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने के बावजूद कल सुअरों ने ट्रैक्टर की एक ट्रॉली भर के भुट्टे का सर्वनाश किया है। एक किसान जो परेशानियां झेलता है ना, इससे ज़्यादा परेशानियां किसी और को नहीं होती है। किसान कितनी परेशानियां झेलकर हमारे लिए धान्य उगाता है, इसलिए किसान को जगत का तात कहा गया है। यह कुदरत की सृजनात्मकता देखो, यही जगह पर यही समय पर हमने कितने वीडियो बनाए हैं, पर हर रोज की सुबह का रूप एक जैसा नहीं है। आप भी हमारे ये खेत का वीडियो में ये विभिन्नता महसूस कर पाओगे। सृष्टि का ये नियम है, हर रोज परिवर्तन होता ही रहता है। चूल्हा जलाकर दो ग्लास जितना पानी गर्म करने के लिए रख लेते हैं। हम दो भुट्टे लेंगे और दोनों भुट्टे में से दाने निकाल लेंगे। आप इसकी जगह स्वीट कॉर्न यूज कर सकते हो। पानी गर्म हो जाने के बाद उसमें एक कप मकाई के दाने उबालने के लिए डाल देते हैं। दादाजी कहा करते थे, दुनिया में सबसे कीमती फूल कपास का होता है। पाँच मिनट तक उबालने के बाद काटे हुए चार पांच बीन्स, आधी काटी हुई गाजर और आधी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा कप पीसी हुई मकाई ऐड करेंगे। दो से तीन मिनट तक उबलने देंगे।
थोड़ा उबलने के बाद झाग होने पर उसे निकाल दे। अब हम सफ़ेद मरी का पाउडर बना लेते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मरी नहीं है तो काला मरी पाउडर भी चलेगा। थोड़ा सा अदरक छील के डालेंगे, आधा चम्मच मरी पाउडर ऐड करेंगे, दो चम्मच शक्कर, शक्कर ऑप्शनल है, एक चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। सूप को गाढ़ा करने के लिए एक चम्मच आरा के आटे को ठंडे पानी में मिक्स करके सूप में ऐड करेंगे। आप सफ़ेद मकई का बारीक आटा, जिसको व्हाइट कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैं काली जरूर हूँ, लेकिन ये चित्र में से निकल जाऊँ तो दृश्य फीका पड़ जाएगा, क्योंकि चित्र में हाईलाइट के लिए लाइट और डार्क कलर का उपयोग किया जाता है। सूप तैयार हो जाए तो चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब इसमें दो चम्मच एप्पल विनेगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, जिससे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एप्पल साइडर विनेगर के सेवन से वेट लॉस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लिवर क्लिनसिंग और पेट के हानिकारक बैक्टीरिया खत्म करने में फायदा होता है, लेकिन आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के दर्दी को इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है, तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना एप्पल साइडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एप्पल साइडर हमेशा पानी में मिक्स करके ही लिया जाता है और स्ट्रो से पिया जाता है, जिससे दांतों को नुकसान नहीं हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।